सीमा पार से फिर एक बार नापाक फायरिंग। पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में की फायरिंग, बीएसएफ के दो जवान हुए जख्मी। दिल्ली में आलूदगी से निपटने के लिए 20 नवंबर के आसपास कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश। केजरीवाल सरकार को आईआईटी कानपुर ने सौंपा प्लान। दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने पर रोक जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैन हटाने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। जस्टिस सुब्रमण्यम बोले ये बैन यमुना में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए। दीपोत्सव के लिए दुल्हन की तरह सजी अयोध्या। 21 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी। अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक, पहले रामलल्ला के दर्शन फिर फैसले पर लेगी सरकार। एमपी के चुनावी घमासान में औरंगजेब की एंट्री। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले एमपी में हारे तो औरंगजेब अपना असर दिखाएगा। मध्य प्रदेश में पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलियां। आज पीएम मोदी की 3 तो अमित शाह की 5 जनसभाएं। जबलपुर में राहुल तो रीवा सतना में प्रियंका की चुनावी सभाएं। हमास और इसराइल के बीच जंग जारी। गाजा में कई सुरंगों को इजरायली सेना ने किया तबाह। बीते 24 घंटे में गाजा में 200 लोगों की मौत। नेतन्याहू बोले इजरायली बंधकों की रिहाई तक कोई युद्ध विराम नहीं।